नमस्कार दोस्तों, मंगलवार को देश भर में रावण दहन का कार्यक्रम विजयादशमी पर आयोजित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले गुलाबी नगरी जयपुर में आज सोमवार को बारिश ने जो है इन पूरे रावणों को धोके रख दिया है। टॉक रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां रावण मंडी का हम नजारा आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से यहां पे बारिश में जो रावण भीग गए हैं और उनके जो दुकानदार हैं उन्होंने क्या व्यवस्था की है और अब इन रावणों का क्या होगा। बारिश के बाद ये भीगे हुए रावण आपके सामने हैं, जो पूरी तरीके से भीग चुके हैं। और प्रयास जो इनके बनाने वालों ने बचाने के लिए किए थे कि इनके ऊपर तिरपाल डाला, पन्नियां डाली, लेकिन बच नहीं पाए और पूरी बारिश ने इनको नुकसान पहुंचा दिया। और आपके सामने है कि किस तरीके से भीगे हुए रावण हैं और कल मतलब मंगलवार को इनको रावण दहन होना है, लेकिन जब तक अगर बारिश नहीं आई तो शायद ये सूख भी नहीं पाएंगे। रावणों को इन लोगों ने बचा लिया था, जो रावण इन्होंने एक पुलिया के नीचे लगाए थे और उसमें बारिश में नीचे आने से ये बच गए थे।